हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा प्लांट केयर रूटीन। मेरे पास 80 इंडोर हाउस प्लांट्स हैं, तो मैं बताने वाली हूँ आज कि मैं कैसे इतने सारे प्लांट्स का केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, और आपको देने वाली हूँ बहुत सारे प्लांट्स से रिलेटेड केयर टिप्स। अगर आप प्लांट लवर हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत यूज़फुल। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिड मॉर्निंग मील के बाद बाबू का नैप टाइम होता है, तो मैं ज़्यादातर उसी टाइम में प्लांट केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और आज का रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिलोडेंड्रन ब्राज़ील के साथ। तो प्लांट केयर रूटीन में इंक्लूड होता है येलो और ब्राउन लीव्स को रिमूव करना, अगर सॉइल ड्राई है तो प्लांट में पानी देना, लीव्स को क्लीन करना, मिस्टिंग करना। ये कुछ बेसिक प्लांट केयर रूटीन है जो एज अ प्लांट पेरेंट मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट केयर रूटीन है वो है प्लांट की प्लेस चेंज करते रहना। जैसा कि मैं अब इस फिलोडेंड्रन के साथ करूँगी, मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ विंडो के पास। ये 3-4 महीने से एक ही स्पेस जगह पे था, मैंने इसकी प्लेस चेंज नहीं की थी, तो मैंने नोटिस किया कि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो गई है। तो प्लांट्स के इवन डेवलपमेंट के लिए, इवन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लांट्स को रोटेट करते रहना चाहिए। जो प्लांट्स विंडो के पास हैं उनको कभी कुछ टाइम के लिए उनको अंदर की साइड रखना चाहिए, और जो प्लांट्स अंदर की साइड हैं उनको कुछ टाइम के लिए विंडो के पास रखना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 80 इंडो प्लांट्स हैं, तो इतने सारे प्लांट्स का केयर रूटीन वो एक दिन में हर दिन तो फॉलो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं हर दिन कुछ 4-5 प्लांट्स में लेती हूँ जिनका मैं केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो इस तरह से वीक के 7 डेज मुझे ये रूटीन फॉलो करना होता है। दाल सोक करने के लिए रख दी थी, तो लंच के लिए वही चढ़ा रही हूँ। जब तक प्लांट केयर रूटीन करूँगी तब तक दाल भी रेडी हो जाएगी, और चावल भी सोक करके रख रही हूँ। मल्टीटास्किंग के बिना घर का काम नहीं चलता। और ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट, जीजी प्लांट। बहुत प्यारा प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। अगर आप बिगनर हैं और आप प्लांट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने जीजी प्लांट का प्रोपगेशन, उसका केयर टिप्स, सबके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको जीजी प्लांट वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पर्ल एंड जेट पोथोस, बहुत प्यारा प्लांट होता है, बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। आपको इस प्लांट के साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसे भी सनलाइट लेने के लिए मैंने विंडो के पास रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। मोस्ट ऑफ दी पोथोस को मिस्टिंग बहुत पसंद होती है। मिस्टिंग मीन्स स्प्रे बोतल से पानी स्प्रे करना प्लांट पर। एक्चुअली जिस प्लांट में भी एरियल रूट्स होती हैं उनको मिस्टिंग बहुत पसंद होती है। मिस्टिंग से क्या होता है, उनकी एरियल रूट्स को भी पानी मिलता है, तो जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। आप इसको भी बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे हम मनी प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं कटिंग के थ्रू, हम पानी में लगाते हैं, सेम वैसे ही इसकी कटिंग भी हम पानी में लगा सकते हैं और वो बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं। मनी प्लांट का प्रोपोगेशन वीडियो मैंने लंच टू इवनिंग वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और ये बैम्बू कटिंग्स, मैंने बैम्बू स्टिक है मेरे पास, एक बहुत पुराना स्टिक है, उससे मैंने ये कटिंग करके इनको पानी में लगा दिया था। और ये है वो जो स्टिक जिससे मैंने बैम्बू कटिंग्स की थी। ये स्टिक काफ़ी टाइम से बाहर बालकनी में रखी थी, इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं है, ऑलमोस्ट इसकी रूट्स भी काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं, तो मुझे लगा कि शायद अब ये नहीं बचेगी, इस पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं होने वाली, तो मैंने इसको जस्ट पूरा इग्नोर किया हुआ था। और लेकिन आज मैंने इसमें देखा है कि इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है।
अब मैं उस स्टिक को क्लीन करके पानी में रखूँगी, मैं उसको इंडोर ही रखूँगी। उसमें न्यू ग्रोथ आ रही है, शायद मैंने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था स्टिक को, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है। ये है पीस लिली। मैं यहाँ इसकी ब्राउन लीव्स को ट्रिम कर रही हूँ, आप ट्रिम कर सकते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, इवन प्लांट देखने में और अच्छा लगता है। पीस लिली वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है, ये इजीली गिव अप नहीं करता, बट इजी टू मेंटेन प्लांट नहीं है। मेरा ये प्लांट ऑलमोस्ट 3 साल या 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये इतना डेंस हो गया था कि एक पॉट में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड करके 2 पॉट में रिपॉट किया। पीस लिली पे जो लीव्स हैं इसकी, साल भर इस पे लीव्स आती रहती हैं, न्यू लीव्स की ग्रोथ कभी इसमें रुकती नहीं है, बट लेकिन जो फ्लावर है वो सिर्फ समर्स में आता है। इसकी लीव्स ब्राउन होती रहती हैं, इसलिए मैं टाइम टू टाइम इसकी लीव्स को, जो ब्राउन पार्ट हो जाता है, उसको ट्रिम करती रहती हूँ, जिससे प्लांट देखने में अच्छा लगता है। और इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो हमको टाइम टू टाइम इस पर मिस्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि ह्यूमिडिटी इस प्लांट के आसपास बनी रहती है, जिससे इसकी लीव्स और ग्रो करती हैं और हेल्दी भी दिखती हैं। इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि इनको क्लीन करना ईजी हो जाता है। आप लीव्स को क्लीन करने के लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा या कोई भी माइक्रोफाइबर का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। लीव्स क्लीन करने से एक तो प्लांट जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है, और जो उसका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा अच्छे से होता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसकी सॉइल भी अभी ड्राई हो रही है, तो मैं इसको शावर भी दूंगी। मंथ में मैं कोशिश करती हूँ कि हर प्लांट को मंथ में एक बार मैं शावर दूँ, और स्पेशली जो प्लांट जिनमें एरियल रूट होते हैं उन प्लांट्स के लिए शावर काफ़ी अच्छा रहता है। ये है एलोकेशिया प्लांट। एलोकेशिया प्लांट में कई वैरायटी होती हैं, ये पर्टिकुलर कौन सा वैरायटी है ये मुझे अभी नहीं पता है, ये हमने लास्ट मंथ ही अपने प्लांट कलेक्शन में ऐड किया है। इसको एलिफेंट ईयर प्लांट भी बोलते हैं, बिकॉज जो इसकी लीव्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं। मैंने पहले भी एक एलोकेशिया प्लांट लिया था, वो था एलोकेशिया पॉली, बट वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं किया था, बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है ये, तो अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो अभी हम इस प्लांट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है, जब से ये प्लांट आया है तो इसमें 1-2 लीव्स हैं जो न्यू आई हैं, बट अभी बहुत कुछ समझना बाकी है इस प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्लांट केयर रूटीन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो प्लांट से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।